कुत्ते बिल्ली पाल लेना चाहिए, शौक नहीं। वो क्या कहते हैं, अब एक काम करना है, हेलमेट देना। तो मैं यहाँ से मोबाइल भाई, सबके पास अपने अपने पार्टनर्स हैं, सिर्फ मैं ही एक हूँ जो सिंगल हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुस्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। आज चलते हैं राइड पे, कहीं चलते हैं अच्छे से, शॉप पे चल के हम लोग चाय पियेंगे, थोड़ा सा मजा लेंगे, राइड करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। चलते हैं गाइस, पहाड़ों में राइड करते हैं फिर से। बने रहें वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। गाइस ये जो रास्ता होने वाला है बहुत ही डिफिकल्ट है, पूरा अप में है। यहाँ मुझे एक नंबर में इस रोड में चढ़ाना पड़ता है और काफ़ी स्लो, बिकॉज रोड भी इतना ख़राब है और अप भी बहुत ज़्यादा है। चले तो बेहतर है, क्योंकि गाड़ी जल्दी सर्विसिंग पे जाने के लिए रेडी हो जाएगा। आज चलते हैं जॉलीकॉट वाले रास्ते पे, जॉलीकॉट पे ही जाके चाय पीते हैं। थोड़ा टेस्ट तो कर ले उधर का भी चाय। क्या नजारा है यहाँ से, अच्छा लग रहा है। ये रेड रेड कलर का सारे घर आपको दिख रहा है, वो रास्ता, उसी रास्ता पे हमें चल के जाना है। वो पहाड़ के साइड साइड से काट करके क्या रास्ता बनाया यार, कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। ओए होए, मजा ही आ गया ये रास्ता देख के। नीचे नदी भी है भाई, बहुत यार कूल। देखो भगवान, जय कृष्ण बाबा, जय हो पायलट बाबा। भाई तुम क्या समझे, तुम ही एक लीज के, मैं इसलिए फोन कर रहा हूँ आपको बार बार कि मैंने कहा मुझे बहन जो ये बार बार फोन इसलिए किया, मैंने कहा कि भाई चेकिंग हो रही है, मुझे हेलमेट पहन के आना। वो क्या कहते हैं, अब एक काम करना है, हेलमेट देना। तो मैं यहाँ से मोड़ काटता हूँ, ऊपर से देता हूँ हेलमेट, तुम्हारा हेलमेट चेक करेगा क्या? हाँ वो हेलमेट नहीं लाइए, और रुकेंगे मुझे पक्का, मुझे भी पता है, वो भी कराते हैं। तुम कहाँ पे जा रहे हो, प्रॉपर्टी यहाँ पे? हाँ आगे थोड़ा सा। अब हेलमेट दे दो, अब ऊपर तो इनसे बचने के लिए तो पहनना पड़ेगा। वो नौ नौ मिस कॉल कौन कर दिया? मैंने ही तो किया तुम्हें, मैंने कहा कि बहन जो तुम कहीं खाली 1000 रुपये लग जाएंगे अभी, मैंने कहा फ़ोन कर लेता हूँ तुम्हें। देखा आपने, सारा दोस्त मेरा ऐसे ही है, सब मिंगल है भाई, सबके पास अपने अपने पार्टनर्स हैं, सिर्फ मैं ही एक हूँ जो सिंगल हूँ। मेरा स्टेटस आज से नहीं 10 साल से सिंगल ही चल रहा है। मैं थोड़ा अलग हूँ ना, एक्चुअली आप लोगों को लग रहा होगा मैं खुद से खुद का पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं अपना भी रिवील करूँगा चीज़ें, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, मेरा लाइफ कैसा रहा है, लव लाइफ कैसा रहा है, सब कुछ करूँगा। बट अभी सब्र करें, अभी नहीं, जब मेरा चैनल ये मोनेटाइज हो जाएगा ना, फिर करेंगे हम लोग। सॉरी, शहद कैसे बेचते हैं? आपको सरकारी तो रहते हैं, हमारा सरकारी है 320 केजी, 320 रुपये केजी, और प्राइवेट है 450-500। ओरिजिनल शहद मिल जाता है? हाँ, शहद की कोई शिकायत नहीं, मैं पता करता हूँ एक बार। ले, अरे शहद है क्या ऑफिस में? है ना? गाइस आपको लगता होगा इतना दूर मैं चाय पीने आया हूँ, मेरा शौक, कुत्ते बिल्ली पाल लेना चाहिए, शौक नहीं। तो चलते हैं गाइस रूम की तरफ, चाय भी पी लिया, काम भी अपन ख़त्म कर लिया, अब भीमताल की तरफ चलते हैं। भाई ये भी ब्रिज नया बनाया है, क्योंकि ब्रिज पूरा जर्जर
मेजर हो गया था पिछले साल जो बारिश हुई थी ना, बहुत भयंकर वाला, उसमें से पूरा हालत ख़राब हो गया था। गाइज फाइनली रूम पे आ गया हूँ, और मेरा ऐसा रहता है कि कोशिश हर एक संडे को मैं ब्लॉग डालूँ, बट किसी कारण से नहीं हो पाता है, मेरा शेड्यूल बिजी रहता है या फिर अपलोड नहीं कर पाता हूँ टाइम पे, क्योंकि पहाड़ों में थोड़ा नेट स्पीड बहुत कम होता ना। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं जल्दी से जल्दी एडिट करूँगा इसको और आज अपलोड करूँगा, जो मैं कल मॉर्निंग में इसे रिलीज कर पाऊँ।